सरस्वती देवी का पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का सजावट आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए माता सरस्वती में हम लोग क्या तैयारी किए। तो इसमें मेरा बेटा नेम लिखने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर सरस्वती पूजा में नेम लिखना हम लोग मतलब बंगाली में यहाँ पे बोला जाता है हाथी खोड़ी। तो जो भी है इधर हम लिखाते हैं मेरे बेटे को, तो बस वही। और ये मेरा जो है ये है मेरे भोलेनाथ, श्री गणेशाय नमः, माता लक्ष्मी देवी, और इसके साथ है कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये है मेरा आरती का सामान, और ये है मेरा प्रसाद। तो अगर देखा जाए वसंत पंचमी ऐसे एक हिंदूज का फेस्टिवल है जिसमें एक बिगिनिंग और प्रिपरेशन फॉर द स्प्रिंग सीजन का स्टार्ट ही होने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग ले लेते हैं। और इसके साथ साथ आफ्टर 40 डेज जो होली मनाया जाता है उसका भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इन सब का मेन जो मोटिव रहता है कलर विद इन द स्प्रिंग सीजन। एंड इसका अगर और भी सिग्निफिकेंट देखा जाए तो ये जो सिंबलाइजेस है द रिन्यूअल ऑफ नेचर एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो अगर कोई पूछता है कि क्या ऐसे स्पेशलिटी होता है, जैसे कि हम लोगों का स्पेशलिटी होता है येलो कलर इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, टू डिवोटीज ऑफर हर येलो साड़ी सिंगर एंड येलो फ्लावर टू प्लीज द गॉडेस टू सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ऑकेशन। एक्चुअली पीपल जो हम लोग अपने आप में येलो क्लोथिंग्स पहनते हैं स्कैटर्ड दैट येलो फ्लावर, तो जो भी सिग्निफिकेंस है इसमें एम्पथाइज किया जाता है द कल्चर एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विथ डिवोटीज सीकिंग ब्लेसिंग फॉर विजडम क्रिएटिविटी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलो लोचने विश्वरूपे विशाल लक्ष्मी विद्यां देहि नमस्तुते। बोलो सरस्वती महाभागे विद्ये कमलो लोचने शंकर सुख शंकर प्रकृति वीर देव सदा वंदिता सरस्वती भगवती विश्वेश्वराया महा या कुंदेन्दु तुषार हार भवला या शुभ्र वस्त्रांबिता या वीणा वरदंड मंडित फला या सेत पद्मासना या शंकर सुख शंकर प्रभृति वीर देव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती विश्वेश्वराया महा।
जय जय सरस्वती चराचरे विश्व कमलोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। थोड़ा सा खाना खा के फिर निकलने वाले हैं, स्कूल में जाएंगे। स्कूल का जो है बेटे का स्कूल का तो वो हम लोग देखने वाले हैं। और हम बस नहा के थोड़ा सा रेडी हो चुके थे, कुछ पहने नहीं है, हम गहना वहना पहनने वाले हैं, थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स। तो आप लोग रहिए हम लोगों के साथ। और खाने में आज हम लोग निरामिष ही खाएंगे, तो इसके वजह से हम रुकिए, ये डोर ओपन था तो थोड़ा सा डोर को बंद करते। तो इसके वजह से हम मतलब वैसे कैसा लग रहा है मेरा मेकअप और मेरा ये जो साड़ी है हम पहने हैं आज के दिन। बहुत दिन बाद ये ब्लॉग हम बना रहे हैं। बीच में मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं जा रहा था, एकदम से हम परमिट नहीं कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम घर में आके इतना थक जा रहे थे और मतलब एक मेंटल प्रेशर भी हो रहा था। किस चीज़ के लिए आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मेंटल प्रेशर होने की वजह से मेरा फिजिकल जो परमिट होता है, बॉडी का परमिटिविटी लेवल जो होता है, बिल्कुल से कम हो रहा था। क्योंकि मान लीजिए हम लोग मतलब 6 से 8 घंटे जहाँ पे रहते हैं उधर अगर आप लोगों का स्वीटेबल एनवायरमेंट अगर आप लोगों को ना मिले तो मतलब कितना दिन तक आप लोग मतलब उस एनवायरमेंट में कंटिन्यू करोगे। तो खैर जो भी है, तबीयत बहुत ही ख़राब हो रहा था तो इसके वजह से हम बीच में ब्लॉग एकदम से नहीं करे। और देखिए हम इतना भी मतलब तबीयत ख़राब दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे क्या नहीं, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड करके देखिए टाइम जाएगा, टाइम के साथ साथ बीते ही जाएगा सब कुछ। हाँ, इंसान का अच्छा बुरा हर चीज़ को लेके ही इंसान को चलना पड़ता है। लेकिन हम सोचे हैं अभी से जब मेरा तबीयत ख़राब होगा तो पूरा ही हम मतलब वीडियो करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ इंसान का होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हम वीडियो करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, तबीयत क्या है क्या नहीं है यही रह जाएगा। तो कोई भी किसी दिन आप लोग अगर देखते हो मेरे वीडियो, मान लीजिए अच्छे मन से देख रहे हो, फिर उस टाइम मेरे तबीयत ख़राब का वीडियो अगर आ गए तो बस वही। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप परेशानी में रहते हो तो उस टाइम हाउ यू कैन कोप अप फ्रॉम योर दैट स्टेज टू नॉर्मल स्टेज, तो वो भी अगर लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर दिखाना चाहिए। आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि मेरा तबीयत अगर ख़राब होगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। दैट इज़ ओके। सो चलिए, अभी बाहर गाना चल रहा है तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। वैसे हम ढोकला खाएंगे, इधर देखिए, और मुझे प्रसाद भी मिला है, ये प्रसाद मुझे मिला था, इधर ढोकला है, ढोकला खा लेंगे और हम भी थोड़ा सा प्रसाद मतलब देंगे। तो चलिए रहिए आज के दिन। जस्ट नाउ अभी थोड़ा खाना खा के उठ गए। मेरा मॉर्निंग से इतना हेक्टिक गया कि पूरा सफाई करना, ये पूरा क्लीन करना, फिर ये सब तैयारी करना। अभी मतलब घड़ी में 2 बज चुका है, बेटा बोल रहा है कि मम्मी चलो, लेकिन सच्ची में आई एम नॉट एबल टू गो। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, ड्रेस चेंज नहीं कर ले। इधर देखिए हम मामा बेटे का जो प्रसाद मतलब हम लोगों को हुआ था शेयर, तो हम लोग खाना खा चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा छोटू सा रेस्ट करेंगे। ये बंदे को देखिए, इस बंदे को देखिए, ये बोल रहा है कि अभी मुझे नींद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका हाल देखिए, बेड के ऊपर कैसे करके पड़ा हुआ है, देखा ना इस बंदे को, अभी बोल रहा है कि मेरा नींद नहीं आ रहा है। और ये देखिए पेट के ऊपर ये हो रहा है, ये मतलब ये सो जाएगा तो इसको तो हम गोद में उठा लेंगे, लेकिन हम सो जाएंगे तो कौन उठाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। वैसे मेरा हम देख रहे हैं कैसा मतलब लग रहा है, मेकअप का आधा मतलब वीडियो उठाए थे, आधा उठा नहीं पाए, तो खैर जो भी है। और ये पूरा फ्लोर हम पूरा आज साफ किए, और बाय द वे मेरा और एक इक्विपमेंट है तो हम दिखाएंगे आप लोगों को बहुत ही जल्दी, इसका मतलब रिवील करेंगे क्या है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। कहाँ गया ये बंदा, अच्छा उधर चला गया। तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग निकलने वाले हैं, फिर वैलेंटाइंस का भी सेलिब्रेशन बाकी है। दोपहर को पूजा खत्म होते ही 2 बज चुका था, तो इसलिए हम लोग दोपहर को बेटे के स्कूल में नहीं जा पाए, क्योंकि उन लोगों का स्कूल में बोला गया था अप टू 2:30 तक अलाउ है। तो इसके बाद अभी हम इवनिंग में आ गए थे एक गार्डन में, तो गार्डन में थोड़ा सा वक्त बिताए, तो पार्क में आए थे एक्चुअली, तो बेटे का फ्रेंड लोग भी आया था, मेरा भी कुछ दोस्त लोग आए थे। तो सरस्वती पूजा, फिर वैलेंटाइंस डे, हम लोग गार्डन में एक साथ मिले। उस टाइम हम ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड एंड ऑल। अच्छा फ्लावर खिला हुआ था,
तो मेरे से रहा नहीं गया, सोचे कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। देखिए ये रोज़ का मतलब कितना अच्छा सा खिला है ये वाला रोज़। तो वही हम उठा रहे थे, फिर उसके बाद आ गए थोड़ा सा मार्केट में, और ये स्मार्ट पॉइंट है तो जियो मार्ट पे आ गए थे थोड़ा सा मतलब सामान देखने के लिए। अब तो अभी हम स्मार्ट पॉइंट से थोड़ा सा मतलब सामान उठाए, ज़्यादा उठा नहीं पाए थे, तो अभी यहाँ पे जो जो कलेक्शन आया हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। स्मार्ट पॉइंट का जितना भी कलेक्शन है, तो दिस इज़ द मीन्स क्लीनिंग सेक्शन। अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, ये क्लीनिंग सेक्शन का है सामान। ये तो हनी ले रहे थे, हनी बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आफ्टर दैट ये सब हम होम डिलीवरी बना के निकल पड़े थे एम बाज़ार में जाके कुछ हम लोग ड्रेस देखे थे कि क्या क्या कलेक्शन आया हुआ था। तो इधर से हम लोगों का एम बाज़ार करीब होता है, तो इसलिए ही उधर चले गए थे। तो विंटर कलेक्शन जो भी है ये सब देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर इसके बाद हम लोग गए रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खाना खा लिए, और खाना खाने के बाद घर वापस आ गए। इन दिनों कावासाकी के ऊपर बहुत ही क्रेज आ रहा था, तो वही मेरे बेटे ने ये स्केच कर लिए और सेटिस्फाइड हो गए। हम लोग अभी तो खरीद नहीं पाएंगे लेकिन स्केच कर पाएंगे ज़रूर। तो रहिए ये वाला वीडियो में मेरे साथ, और ज़रूर बताइए कैसे आप लोग भी डांस का फॉर्मेशन सीख लेते हो। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म हो रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के आज का ब्लॉग में क्या क्या नया वाला चीज देखने को मिला, और जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हो वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। सो मिलते हैं मेरे नए वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, स्टे सेफ।